अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हसीब एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एट्रियम। ओके ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैनवा के ऊपर आज हमने करना था, बट कैनवा से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स क्लियर करने हैं, कंप्लीट करने हैं, जिस हद तक मैंने आप लोगों को बताए थे, और ताकि मैं आज आपको कैनवा करवाऊँ। आज दो चीज़ें हुई हैं क्लास में। एक चीज़ तो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, वो ये कि आई डोंट नो ये मैंने आपसे पहले शेयर किया है या नहीं किया है, शायद नहीं किया है। लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो हियर इज़ द इमेज। फाइका कदीर हैं जिन्होंने एक गिग बनाया था, बट उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने रात में गिग बनाया और गिग बना के वो 2 बजे फ्री हुई और उन्होंने सारा गिग खुद बनाया। एंड बिलीव मी, वो बहुत अच्छा उन्होंने गिग बनाया था वो भी। और जब वो सोई हैं, उनको 4-5 बजे एक मैसेज आ गया कि अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू रिमूव योर गिग, क्रिएट यूनिक लोगो डिज़ाइन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इनके गिग को रिमूव कर दिया गया है। इनके गिग का नाम था यूनिक लोगो डिज़ाइन। क्यों किया गया है? क्योंकि नॉट एन ओरिजिनल इमेज और डिज़ाइन। इन्होंने जो इमेज यूज़ किया वो ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल नहीं होने से क्या मुराद है, इन्होंने गूगल से एक इमेज उठाया और वो इमेज डाल दिया। फाइवर ने उसको चेक किया कि ये तो इन्होंने खुद से इमेज नहीं बनाया, और उन्होंने इनको इनका वो जो गिग था वो रिमूव कर दिया। लेट मी टेल यू कि इस तरह की गलती अगर आप 2 या 3 दफ़ा कर देते हो, देन योर अकाउंट इज़ गोइंग टू बी सस्पेंडेड। ठीक है, अपने माइंड में एक चीज़ रखो बड़े ध्यान से, जब एक गिग बनाते हो उस गिग की एक फ़ाइल कंप्लीट करो। आपको क्या करना है, अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या कहीं पर एक फ़ाइल रेडी करनी है जिसके ऊपर आपको अपने गिग की डिटेल लिखनी है। गिग का नाम लिखना है, पैकेज प्लान लिखना है, उसकी डिटेल लिखो, और अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके अपना ऐड कर लो अपनी उस फाइल में। उसके बाद गिग के डिस्क्रिप्शन को ऐड करो। इसकी रीज़न क्या है, अब जैसे फाइका से ये गलती हुई, उन्होंने ये इसके अंदर इमेज दूसरा यूज़ किया, उससे उनकी सारी पिछली मेहनत ज़ाया हो गई, उन्होंने फिर न्यू गिग बनाया। इन्होंने जिस टाइम मॉर्निंग में मुझसे डिस्कस किया और 12:35 पे आई गेस इन्होंने गिग बनाना स्टार्ट किया था, और विद इन 25 मिनट्स इन्होंने वो गिग बनाया जो कि मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो उनका गिग भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा से मुराद ये मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल 100% परफेक्ट था, बट अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करूँ तो दिस इज़ अ ग्रेट गिग। इसके अंदर इन्हें जो जिस चीज़ की कमी है वो ये है, कमी भी नहीं कह सकते हो इस बात को, बट कंसीडर भी किया जा सकता है। आई विल क्रिएट अ लोगो डिज़ाइन, शी जस्ट रॉट वेरी सिंपली दैट आई विल क्रिएट अ लोगो डिज़ाइन। शायद इधर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ उसको अट्रैक्टिव या कैची कर देती तो इट कुड बी मोर देन बेस्ट, बट स्टिल। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ऐड की, क्योंकि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं, इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट जो डिटेल्स हैं वो शेयर की। उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज इन्होंने बनाया, फिर उसके बाद इन्होंने प्रीमियम पैकेज बनाया, और इनके बड़े अच्छे रेट्स हैं इन्होंने जो रखे। उसके बाद इन्होंने टाइम का ड्यूरेशन बड़ा अच्छा लगा, बेसिक हर चीज़ ये 2-2 दिन में ही कवर अप करके दे रही हैं। यहाँ पर इन्होंने इसकी डिटेल्स मेंशन की है, और ये पूरी इन्होंने की है कि देखें वाई चूज़ मी, फिर उसके ऑल पैकेजेस, जोन जोन से पैकेजेस हैं वो भी, फिर उसके बाद प्रीमियम पैकेज में इन्होंने बताया कि क्या है, फिर स्टैंडर्ड पैकेज में बताया कि क्या है। क्योंकि देखो ना, सारे 2-2 दिन में आ रहे हैं, तो 2-2 दिन में तो आ रहे हैं, बट इनमें क्या एक्स्ट्रा क्या है, इन्होंने वो बताया। फिर उसके बाद इन्होंने नोट यहाँ पर एक मेंशन किया स्पेसिफ़िकली, फिर देखें किस किस चीज़ को बोल्ड किया, जो बोल्ड करने वाली चीज़ें थी, जो ये नहीं कर रही इन्होंने वो भी मेंशन किया, और फिर इन्होंने कहा कि मुझे कॉन्टेक्ट करें इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। सो दिस इज़ वेरी ग्रेट कि इन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम गिग बनाया, और बहुत सिंपल। और मैं आपको सीरियसली बताऊँ कि इनको मैंने ना बहुत ज़्यादा गाइड नहीं किया, या इनके मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते थे, पूछती नहीं थी, जबकि मैं इसको अभी भी बोलता हूँ कि फाइका अगर आप बग़ैर पूछे इस लेवल की एफ़र्ट कर रहे हो और बड़ा अच्छा कर रहे हो, तो आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा होने चाहिए। मुझसे बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछती हैं, दैट्स इट, इन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। एंड ही शी डिलीवर्ड, उन्होंने डिलीवर किया है काम बहुत अच्छा। उसके बाद ये आप इनका प्रोफाइल देखें, तो इन्होंने प्रोफाइल भी बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ करके बड़े अच्छे से लिखा है। तो मुझे ये चीज़ सब इनकी बहुत अच्छी लगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने दिमाग से ज़्यादा रिसर्च पर फोकस किया है। आई टोल्ड यू इन माई लास्ट क्लास एज़ वेल कि आप लोग माइंड यूज़ करो, बट
डोंट फॉरगेट रिसर्च, रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अच्छा गिग बनाने के लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें कुछ माइनर से मिस्टेक्स हैं, आई विल शेयर विद फाइका और इंशाल्लाह वो उसको भी इम्प्रूव कर लेंगी. और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ऐसे थी. बहरहाल इनका गिग दिखाना मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, सो दैट्स वाई आई डिड. और आपको एक चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इमेज आप लोग इस तरीके की नहीं कर सकते हो. मुझे फाइका ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ये बताएं कि मैं एक इमेज डाउनलोड करूं या मुझे दो इमेज होनी चाहिए या क्या होना चाहिए. मैंने इसको गाइड किया कि फाइका एक इमेज आपने कर दिया, इट्स गुड. उसके बाद आप लोगो बना रहे हो ना, तो लोगों की इमेजेस ढेर सारी आप यहाँ पर अपलोड कर दो. लेट मी टेल यू एज़ वेल, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ पता चल जाए. आज मैंने आपको इमेज बनाना सिखाना है, तो आप लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को. ओके, ये मोर देन वन के, सो आई विल सिलेक्ट दिस क्योंकि इसको 5 out of 5 मिले हुए हैं. ओह, हैव अ लुक एट दिस, 25 ऑर्डर्स इन क्यू, इज़न्ट इट ग्रेट. बहुत अच्छा है. ओके, अब ये देखें, इन्होंने लिखा कि पहला इन्होंने गिग बनाया हुआ कि लोगो ग्राफिक डिज़ाइन सिंपल, कि मैं लोगो डिज़ाइन करूँ, दैट्स इट. अब इसके बाद इन्होंने अपने क्लाइंट के काम लगाए हुए हैं, इन्होंने लोगो बनाए हुए हैं जो डाले हुए हैं, फिर और, फिर नेक्स्ट. ये देख रहे हो कितने लोगो बनाए हैं. इनके इन लोगों को देख के लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि किस टाइप का काम करें. जब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर मिलते जाएंगे, क्लाइंट्स सॉरी मिलते रहेंगे, आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप अपने क्लाइंट्स को का जो काम करो उसको यहाँ पे मेंशन करो और सब कुछ. लोगों ने पता नहीं कितने कितने लगाए होते हैं, तो ये आप पर डिपेंड कर रहा है. लोगों का काम करो और लगाओ. अदरवाइज़ मैंने फाइका को एक सजेशन ये दिया था और इंशाल्लाह फाइका वही करी होंगी, विच इज़ वाई इन्होंने एक ही यहाँ पर इमेज लगाया है. 3 इमेज की तो सीधी सीधी ऑप्शन जब आप गिग बना रहे हो तो वहाँ होती है. बहरहाल उन्होंने एक इमेज लगा के जस्ट इसको क्लियर किया. यहाँ पर भी इन्होंने डिज़ाइन ये खुद बनाया, बट यहाँ पर आप ये गौर करें कि पीछे का जो कलर है सारा कुछ है ये क्लियर होना चाहिए था. यहाँ पर थोड़ी सी उनका बैकग्राउंड यहाँ थोड़ा डल होता है, इस तरह का होता है कि लिखा हुआ प्रोमिनेंट होता तो दैट कुड भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि फ़ायदेमंद होता. ओके, खैर अब यहाँ पर इन्हें मैंने एप्लीकेशंस बताई हैं, सॉफ्टवेयर्स बताए हैं, ये लोगो बनाएंगी 5, 8, 10 जो कि बड़ी क्विक बन जाते हैं, ऑनलाइन भी बन जाते हैं, सब चीज़ें इस तरीके से होती हैं, तो वो डालेंगी यहाँ पर वो काम हुआ हुआ. तो खैर ये थी जनाब सारी चीज़ें. अब हम चलेंगे कैनवा पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट मी टेल यू कि कैनवा क्या है, कैनवा से हम कैसे काम करेंगे, ये सब चीज़ें आपको बता देता हूँ. क्वेश्चन किसी का भी हो तो ज़रूर साथ साथ शेयर करें. उसके अलावा मेरे साथ कोई भी बंदा अपना जीमेल आईडी अगेन शेयर करे, क्योंकि कैनवा पे अकाउंट बना कर दूंगा आपको. मैं शुरू से बताऊंगा, सुबह तो बनाया एक स्टूडेंट का, बट आपका अकाउंट अभी बनाऊंगा दोबारा से, ताकि न्यू स्टूडेंट्स को पता हो कि साइनअप कैसे करते हैं. वैसे हमेशा साइनअप करना बहुत सिंपल होता है, बट स्टिल फॉर यू आई विल क्रिएट अगेन, तो ज़रूर इसको देखिएगा. ये मैंने लिंक शेयर किया है कैनवा का, एक मुझे बंदा अपना जीमेल आईडी सेंड कर दे बस. थैंक यू ईशा. ओके गुड, ईशा का आईडी आया है और ईशा के आईडी को मैं जीमेल से साइन है. ईशा आप अपना पासवर्ड भी भेज दो साथ. ओके, ईशा का आईडी आई गेस मेरे पास ऑलरेडी पहले भी है. ठीक है, अब आपका पासवर्ड चाहिए. ईशा पासवर्ड सेंड करके ना आप अपना जीमेल का आईडी भी ओपन कर लीजिएगा. ठीक है, जुम्मे के दिन तक आप लोगों को हर एक को जुम्मे की नाइट तक आप सब के गिग एटलीस्ट एक एक गिग और आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए. और उसके बाद आप लोगों के पास 2 दिन होंगे, उन 2 दिनों में आपने बहुत एफर्ट करके अपने गिग्स जो हैं वो 7 कंप्लीट करने हैं. कि मैंने आपको बायर रिक्वेस्ट बताना है, इसमें एक टेस्ट की ऑप्शन होती है, मैंने आपको वो टेस्ट की ऑप्शन जो है वो कंप्लीट करवानी है, वो बताना है आप लोगों को. टेस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और उसमें बड़ा मज़ा आने वाला है, वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, और फिर हम मूव करेंगे. ओके, अब ये मुर्सला का सॉरी ईशा का हमने ऐड कर लिया. अब हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं वो कि हम लोग हैं या नहीं है. डिफरेंट आईडी खोला है यहाँ पर, इस वजह से आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा तो अपने फ़ोन को सिलेक्ट कीजिएगा. वहाँ पर आपको कोड की ऑप्शन होगी, 55
जो नंबर लिखा होगा उस पर टैप कीजिएगा, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। अब ये इनका आईडी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये बहुत सिंपल सा था, बस आपने साइन अप करना था और उसके बाद हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो उसको सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट को कर दिया क्योंकि ये ईशा का अकाउंट है, दैट्स वाई। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये वैसे फ्री में आपको बनाने नहीं देता इमेज, लेकिन 30 डेज़ का इनका ट्रायल होता है। आप 30 डेज़ तक इसको यूज़ कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट अगर आपको कैनवा की ज़रूरत पड़े, या तो जीमेल का डिफरेंट आईडी आप लोग ले लो, और अगर नहीं तो फिर आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट अकाउंट आप लॉगिन कर करके 30 डेज़ का ट्रायल ले सकते हो, जो सिंपल वे है। नहीं तो फिर आप यूँ करो कि इसको परचेज़ कर लो, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वैसे इतना ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म के मैं आपको कहूँ कि इसको परचेज़ किया जाए। आई विल सजेस्ट यू कि आप बस इसको यूज़ करो अपने गिग की इमेजेस बनाने के लिए, और कोई कैजुअल से इमेजेस बनानी हो तो। अब ये देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी ये ऑप्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर इनका अकाउंट अब ये बन गया। अब इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, लेट मी टेल यू। ये ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटर डिज़ाइन, जहाँ पर माउस का कर्सर है, इस क्रिएटर डिज़ाइन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। पोस्टर, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, वीडियो, लोगो, फेसबुक कवर, फेसबुक पोस्ट, उसके बाद फ्लायर, योर स्टोरी, रिज्यूमे, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब चैनल आर्ट, और पता नहीं क्या क्या। तो ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, इन सब की डिज़ाइनिंग में टूल्स एक ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन इन सब की जो डायमेंशंस होती हैं ना, डायमेंशंस बोलते हैं इनकी हाइट और विड्थ को, यानी लंबाई और चौड़ाई को। हर इमेज एक तरह की नहीं होती है, आपको भी पता है। जब मोस्टली आप लोगों की पिक्चर्स होती हैं, अगर आप उसको डीपी रख रहे होते हो, एडजस्ट नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि वो साइज़ नहीं एडजस्ट होता। अगर आप यहाँ पर गौर करो तो पोस्टर के आगे लिखा हुआ है 42 × 59.4 सेंटीमीटर्स, इधर लिखा हुआ है 1920 × 1080 पिक्सल्स। तो ये इन सब की मेजरमेंट्स लिखी हुई है इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे। इसको बड़ा कैजुअल कर दिया कि आपने जो चीज़ बनानी है उस पर क्लिक करो। लाइक फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन के लिए क्लिक किया तो आपको पेज ओपन हो जाएगा। बट आई टोल्ड यू कि हम तो बना रहे हैं फिलहाल फाइवर के लिए, तो फाइवर की इमेज के लिए क्या एक डायमेंशंस होती हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फाइवर का इमेज जो होता है उसके लिए हमें डायमेंशंस कितनी होती हैं। वो ये देखिएगा, 550 × 370, यानी 550 विड्थ हो और 370 हाइट हो। और जो फर्स्ट वाली होती है वो विड्थ ही होती है, और नेक्स्ट जो होती है वो हाइट होती है। अगर मैं आपका ये पेज ओपन करता हूँ, मुझे अब ये एग्जैक्टली अपने मुताबिक बनानी है। अब यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ ना कि फाइवर की पोस्ट, ऐसे में आपको डायमेंशंस अगर पता हैं तो आप क्या करते हो, इसको यहाँ पर कस्टम डायमेंशंस पे क्लिक करते हो, और यहाँ पर विड्थ, और ये आगे 550 आपकी विड्थ है और 370 क्या है, हाइट है। इसके ऊपर क्लिक किया, इसको गौर कीजिएगा, ये पिक्सल्स होना चाहिए, इंचेस, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। मैंने पिक्सल्स पे रखा हुआ है और क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया, और उन्होंने मुझे एक न्यू पेज के ऊपर राउट कर दिया। अब इस पेज पर आप देखें, एक ब्लैंक पेपर आपके पास आ गया, और लेफ्ट राइट पर आपको मेन्यू के कुछ आइकन्स शो हो रहे हैं और कुछ इमेजेस शो हो रही हैं। ये सब क्या है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। सबसे पहली ऑप्शन है ऊपर टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, लेट मी टेल यू। टेम्पलेट ये होता है, एक ऑलरेडी बनी बनाई इमेज होगी, उस इमेज के अंदर जस्ट आप एडिट करो और उसको कंप्लीट कर लो। मोस्टली ऐसा होता है, अगर आपको कोई इमेज लेना है तो आप क्या करोगे, पहले अपना बैकग्राउंड लोगे, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट लोगे, फिर आप पिक्चर्स लोगे। आप इस तरह भी कैनवा पे बना सकते हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें तो बस बनी बनाई इमेज चाहिए। तो ठीक है, बनी बनाई इमेज ले लो। सपोज़ आप कहते हो कि अब राइटिंग से रिलेटेड आपको गिग बनाना है, मैंने यहाँ पे लिखा राइटिंग, और नीचे राइटिंग से रिलेटेड यहाँ पर तस्वीरें ओपन हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये देखिएगा कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, क्लिक नहीं किया, सिर्फ माउस का कर्सर लाया हूँ, तो इधर लिखा आ गया फ्री। फ्री का मतलब होता है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करनी। अगर किसी और के ऊपर लाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब फ्री हैं। ये देखिए, ये फ्री नहीं है, और इसके ऊपर लिखा रहा है 2 × 2, फ्री नहीं लिखा आ रहा है, ये दो पेजेस का है। अगर मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको बना लिया ना, तो एंड पे क्या होगा, जब मैं इस इमेज को डाउनलोड करने लगूँगा तो वो मुझे कह देंगे कि ये पेड टेम्पलेट है, यानी इसको अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो हमें डिज़ाइन नहीं देंगे। जिस तरह फाइका ने पूरा अकाउंट बना लिया और उसके बाद उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो इमेज खुद का बनाना चाहिए था, और उनका सारा वो वेस्ट हो गया, इसी तरह आपको इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है। अगर आपने
फ्री टेम्पलेट को पकड़ा है तभी आपको वो मिलेगा, अदरवाइज जब आप डाउनलोड करने लगोगे पूरी इमेज बना के मेहनत करके तो वो आपके पास से गायब हो जाएगा। उसके बाद एनी हाउ हम इसको नीचे मूव करते जाएंगे, हमें यहाँ पर बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं बने बनाए मिल जाएंगे। अच्छा, इन टेम्पलेट्स को यूज़ कैसे करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू एवरीथिंग, बट मैं राइटिंग नहीं डिज़ाइनिंग में आ रहा हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाए। लोगो, आई क्लिक्ड लोगो, तो लोगो में मेरे पास ये सारे आ गए। ओके, अब मुझे लोगो में अगर किसी सपोज किसी को किसी भी टेम्पलेट को लेना है, आप चलें सपोज कि मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज़ अभी मैंने इमेज ले लिया, सॉरी इसके ऊपर कैनवा लिखा हुआ है, कुछ इमेजेस होंगे उनके ऊपर यहाँ पर कैनवा लिखा होगा, आप देख रहे हो कैनवा वाटरमार्क है, ये वाटरमार्क इन्होंने कुछ इमेजेस पे दिया होता है। अगर दिया हो तो फिर आप इस इमेज को यूज़ ना करो, कोशिश करो ऐसे इमेज यूज़ करो जिसके ऊपर वाटरमार्क ना लिखा हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक किया और इसको मैंने क्लिक किया, ये भी पेड है, इसको भी नहीं कर सकते। ओके फाइन, यहाँ पर इन्होंने पहले नहीं ये किया था, अब ये प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा चलता है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज़ करना शुरू किया। अब वो लोग क्या करते हैं कि इमेजेस जो इसमें अपनी डाल देते हैं उस पर कैनवा होता है, वो क्या होता है आपको अच्छा तो बहुत लगता है बट आपको एट द एंड उसको उसके लिए जो है वो परचेज़ करना पड़ता है। अब ये मैंने बड़ा सिंपल सा टेम्पलेट उठा लिया, इस सिंपल से टेम्पलेट में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये टेम्पलेट यहाँ पर आ गया, अब आपने बनाना है लोगो। पहली बात है इसके ऊपर क्लिक करोगे ना आप, डबल क्लिक करोगे तो ये दो बॉक्सेस यानी जो लिखा हुआ है वो आ गया। ये दो बॉक्सेस क्यों आए, क्योंकि ऊपर वाले का आप देखो राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है और नीचे वाले का डिफरेंट है। सपोज़ मैंने यहाँ पर करना है कि मैंने लिखना है परफेक्ट लोगो, परफेक्ट लोगो फॉर योर बिजनेस, ओके। अब ये अब आप पर डिपेंड करता है, अभी मैंने लिखा, अब आप सोच सकते हो सर ये तो नीचे जा रहा है, तो इट्स ऑल राइट, इसको बड़ा करना है तो इसको यहाँ पे क्लिक करो, इसको बड़ा कर दो, ठीक है। अगर इसको छोटा करना है तो इसको छोटा कर दो, ठीक है। मैं इसको सपोज़ अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने लगा हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसको लेंथी किया ताकि एक ही लाइन में आ जाए, ओके। अब मुझे इसका इसको सेंटर करना है, मैं देख रहा हूँ यार ये सेंटर नहीं है, सपोज़ इसको मैंने थोड़ा आगे कर लिया। अब ये जो नीचे वाली लाइन है, अगर मुझे ये चाहिए तो ठीक है, अगर मुझे नीचे वाली लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, तो ये डिलीट भी हो जाती है, ठीक है जी। एनी हाउ इसके बाद यहाँ पर आप इमेजेस देख रहे हो, ये जो पत्ते लगे हुए हैं ना, ये भी आप चाहो तो ख़त्म कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया और डिलीट का बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया, चला गया एक साइड पर, मुझे अच्छा लग रहा है तो इट्स ऑल राइट, मैं इसको एक साइड पर रख लूँ, इसको ऊपर ले जाऊँ। अपनी मर्ज़ी की आप इमेज इसमें ऐड कर सकते हो और आप निकाल सकते हो। इमेज ऐड कैसे की जाती है और निकाली कैसे जाती है वो भी आगे बताऊँगा। टेम्पलेट के आने के बाद आप इसमें हर तरह की तब्दीली कर सकते हो। अब मैं वो जो फूल पीछे थे वो मैं उनको वापस लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, कंट्रोल जेड दबाते हो ना, कंट्रोल जी, तो जो आपने किया होता है ना स्टेप, वो एक स्टेप आप पीछे चले जाते हो, ठीक है। उसके बाद खैर ये नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें नेक्स्ट एक आइकन है। टेम्पलेट आपने अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लिया, उसके बाद अपलोड की एक कैटेगरी है। अपलोड का मतलब क्या होता है, सपोज़ मैंने आपको बताया कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने कहा ठीक है मैं टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने एक पीछे सिंपल बैकग्राउंड ले लिया, तो इट्स गुड। और अगर आपको है कि नहीं मुझे टेम्पलेट ले लिया लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही खाली खाली लग रहा है, मुझे इसमें इमेज डालनी है, तो अपलोड पे आके आपने अपलोड एंड इमेज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्या होगा कि आपके अपने कंप्यूटर की तरफ आपको राउट कर देगा, यहाँ पर अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई डोंट हैव हेयर अ लॉट ऑफ इमेजेस, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं डाउनलोड में जाके देखता हूँ। ओके, डेस्कटॉप पर देखना पड़ेगा शायद कोई लोगो की ऑप्शंस। ओके यस, ये देखिए ये मेरे पास एक लोगो है, बट ये इतने अच्छे पिक्सल्स का नहीं है। मैंने इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया एंड आई ओपन दैम, मैंने दोनों को क्लिक कर दिया। आप एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो। ये मेरा एक लोगो आ गया और ये मेरा सेकंड लोगो। ये दोनों जब अपलोड हो जाएं
आपको यहाँ पर ये ब्लू ब्लू कलर की बार है ये पता चल जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इस पर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर आ गया। अब इसको पकड़ के किसी भी तरह छोटा कर दो, बड़ा कर दो, जो आपका दिल करे, कहीं पर भी एडजस्ट करना है कर दो। मैं आपको एक डिज़ाइन की अच्छी खूबी बताऊं कि डिज़ाइन की खूबी ये होती है कि जब वो कहीं पे लगा हो उसका कलर कंट्रास्ट और वो सब चीज़ें इस तरीके से हो कि ऐसा लगे कि वो उस पिक्चर का हिस्सा है, ऐसा ना लगे कि वो स्पेसिफिकली किया गया है। अब सपोज़ यहाँ पर मैंने इस इमेज को कर दिया। अच्छा, अब एक और बात बता दूं, इमेज में अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो इसमें, ओके। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई इमेज हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। ये जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ ये कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है, बस आपको हर आइकन यूज़ करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। अब इसके बाद आपको लगा नहीं नहीं मेरे पास तो अपने सिस्टम में नहीं है, तो ठीक है आप इसको डिलीट कर दो, रहने दो। क्लिक करोगे इसके ऊपर, डिलीट कैसे करते हैं, क्लिक करोगे, डिलीट का बटन आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे या कहीं पे भी होता है उस पर क्लिक कर दो। नहीं है तो लेफ़्ट क्लिक करो, यहाँ पर आपकी एक ऑप्शन आ जाएगी डिलीट, इस पर यूँ भी कर सकते हो, ओके। तो ये गायब हो जाएगा। उसके बाद फ़ोटोज़ की ऑप्शन है नेक्स्ट। अब ये वो फ़ोटोज़ हैं जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, बट इसमें भी पेड फ़ोटोज़ भी हैं और ऐसी भी हैं जो कि मतलब नहीं है पेड। तो आप क्या कर लो, यहाँ से कोई भी आप इमेज पिक कर सकते हो, बट वही बात, यहाँ से भी जो आप इमेज आप यूज़ करोगे उसको भी आपने गौर करना है कि वो इमेज ऐसी ना हो कि वो चीज़ ऑलरेडी यूज्ड हुई हो। ये फ्री थी, सपोज़ इस इमेज को उठा लिया और ये इमेज सूट नहीं करेगी वैसे यहाँ पे, वैसे तो मैं सूट का ख्याल कर ही नहीं रहा, कोई भी इमेज बीच में डाली जा रहा हूँ तो इसमें हमें कुछ भी नहीं। खैर ये इमेज आई, ये मैंने पकड़ा। अच्छा, इसको रोटेट भी किया जा सकता है, ये देख रहे हो इसको पकड़ के यूँ रोटेट, आप जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो, ओके। अच्छा, यूँ आप इमेज यहाँ से भी पिक करके डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ मर्जी की, अब मैंने कंप्यूटर की फ़ोटोज़ करनी है, मैंने कंप्यूटर टाइप किया, ये सर्च आइकन होता है, तो यहाँ पर देखो मुझे कंप्यूटर की फ़ोटोज़ आ गई। मैंने सोचा चलो ये नहीं ठीक लग रही, इसको मैंने डिलीट कर दिया और सिंपल से कोई कंप्यूटर की पिक्चर यहाँ पे जो अच्छी लगे। ये प्रो पिक्चर थी, प्रो पिक्चर मतलब ये परचेज़ करनी पड़ेगी, मैंने इसको देखा नहीं था इसलिए ये सिलेक्ट हो गया। ये भी प्रो है, जो इमेजेस प्रो में हैं वो आप नहीं परचेज़ कर सकते, वो प्रोफेशनल कंसीडर होती हैं और उनको इन्होंने इसलिए डिज़ाइन किया था, उन्हें पता होता है ऑब्वियसली कि कौन से पिक्चर का हमारा क्या स्टैंडर्ड है, तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए वो लोग करते हैं। चलो कोई भी, खैर बहरहाल आपको पिक्चर की समझ आ गई है कि पिक्चर किस तरीके से यहाँ पर ऐड की जा सकती है। और खैर पिक्चर ऐड हो जाए उसके बाद आप लाजमी नहीं है सभी कुछ ऐड करना है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, कोई न्यू एलिमेंट अगर आपने, एलिमेंट क्या होते हैं, शेप्स हो गई या कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें हो गई, ये अब ऊपर अगर आप गौर करें तो ये ऊपर जितने भी कार्टून आ रहे हैं कुछ भी आ रहा है, आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ये सब फ्री हैं कुछ कार्टून्स, ये देखिए ये भी फ्री था, इसको मैंने पिक किया और ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ से हटा दी, मुझे नहीं अच्छी लग रही थी ये पहले से ही, आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसको डिलीट कर दूं, बट ओके ये मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी। इस तरह आपके पास पिक्चर्स मौजूद हैं ढेर सारी, कोई भी लगा सकते हो, यहाँ पर एनिमेशंस भी होती हैं अवेलेबल। उसके बाद अच्छा अब टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ। अब सपोज़ टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर देख रहे हो कितना सारा टेक्स्ट है। ऐसा हो सकता है आपको, सर हमें थीम तो बहुत पसंद आया लेकिन इसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, मुझे सर इसका स्टाइल नहीं पसंद आया। सपोज़ यहाँ नीचे वाला देख लो, आपने कहा सर मुझे ना इसका स्टाइल नहीं पसंद आया, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लो, और आप अगर कॉपी ना भी करो, ये देखिए मुझे कोई अच्छा सा डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेने दें, राइटिंग की मैं कैटेगरीज भी दिखा दूँ क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन हैं यहाँ पर। ये देखिए टेक्स्ट किस किस टाइप का आ रहा है, ओके ये आप नीचे जाते जाओगे इतना ज़्यादा है टेक्स्ट कि आप इन टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी का हर टाइप का टेक्स्ट, मैंने ये वाला टेक्स्ट उठा लिया, ओके अब मैंने इसको क्लिक किया है ये यहाँ पर आ गया। अच्छा अब ये बहुत बड़ा आ गया ना, और इतना तरीके से मुझे ये अब दो टाइप के इस पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, एक ये ऊपर वाला लिखा हुआ है और एक ये नीचे वाला लिखा हुआ है। मुझे नीचे वाला डिज़ाइन अच्छा लगा, ऊपर वाला नहीं अच्छा लगा, तो मैंने ऊपर वाले को क्लिक करके डिलीट किया, वो चला गया। अच्छा अब मुझे इस पर क्या टेक्स्ट लिखना है अपना, लेट मी चेक, मुझे अपना जो नीचे वाला जो है डिज़ाइन वो करना था ये वाला, ओके मैंने इसको कॉपी किया, ऊपर वाले पे क्लिक करके इसको
यहाँ पर ये सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब ये इतना बड़ा हो गया, इतना सब कुछ हो गया, तो परेशानी वाली बात नहीं है, आपके पास आइकन मौजूद हैं। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करो, इसको छोटा करो जितना हो सकता है अपने हिसाब से, क्योंकि इमेज में तो आना चाहिए ना कंप्लीट, ये तो इतना डिफरेंट लग रहा है। ओके अब ये आ गया, अब ये तो एक ही ऊपर से नीचे तक है, तो इसको साइड से पकड़ के इसको लेंथी करो, और ये देखो अब ये नीचे वाला, सपोज़ मैं कहता हूँ यार नीचे वाला मुझे बकवास लग रहा है, मैंने नीचे वाले को क्लिक करके डिलीट कर दिया। ओके अब ये ऊपर वाला मेरे पास आ गया, अभी भी मुझे लग रहा है यार ये एक लाइन, अब आपकी मर्ज़ी, आपको एक लाइन में रखना है एक लाइन में रखो, दो लाइन में रखना है दो लाइन में रखो, इट इज़ अप टू यू। ठीक है अब ये सपोज़ मैंने यूँ कर दिया, उसके बाद ये आपके पास लास्ट लाइन भी है, सारा कुछ है। ये मैंने लोगोज़ बड़े फजूल लगाए हुए हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो, तो टेक्स्ट आप चेंज अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, इट इज़ नाउ अप टू यू। फिर उसके बाद म्यूज़िक है, म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक होता है, आप इसमें कोई गाना नहीं चलने वाला है इसमें, ऑब्वियसली समटाइम ऐसा होता है आप कोई स्लाइड या कोई इमेज या कोई वीडियो बना देते हो और आप चाहते हो कि उसके बैकग्राउंड पे कुछ म्यूज़िक चले, तो यहाँ पर कुछ आपके पास म्यूज़िक होते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो, तो वो भी आपका म्यूज़िक की ऑप्शन बन जाती है। फिर अगर आपको वीडियोज़ कुछ डालनी है, कुछ यहाँ पर आपको बनी बनाई वीडियोज़ हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। आप कहते हो कि आप सपोज़ आप ये ले लो कि आपकी आपने एक यूट्यूब का चैनल बनाया, आपका चैनल रिलेटेड है बिज़नेस से, ठीक है, आपने क्या किया यहाँ से आपकी 7 मिनट की वॉइस है, लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैंने अपने उस चैनल पे ये चीज़ लिखी होती है कि हाय आई एम हसीब एंड दिस इज़ फ्री लांसिंग कोर्स फॉर यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन एट्रियम। अब मुझे ये मैंने वॉइस तो रिकॉर्ड कर ली, बट मैं ये सोचूं कि यार आगे तो मेरी वीडियो चल रही है तो पीछे क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से बिज़नेस की एक 7 सेकंड की वीडियो पकड़ी और इसके ऊपर इसको मैंने वीडियो यहाँ पर एडजस्ट कर दी, वीडियो बन गई, इसका वॉइस ओवर नहीं है, ये वीडियो मैंने अपने वॉइस ओवर के नीचे लगा दी और फिर क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर वीडियोज़ भी एनिमेट कर सकते हो। मुझे एक सुबह बच्ची ने सवाल पूछा था सर लोगो बन सकता है, एग्जैक्टली बन सकता है, लोगो भी बन सकता है यहाँ पे, तो खैर उसकी भी डिफरेंट तरीके हैं, वो आप मुझसे पूछेंगे जब मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करवा दूंगा, तो वीडियोज़ भी हो गई। उसके बाद ये है बैकग्राउंड, मैंने आपको बोला था समटाइम ऐसा होगा कि आपका दिल नहीं करेगा, आपको नहीं नहीं मुझे यहाँ से कोई भी थीम नहीं पसंद आ रहा, तो कोई बात नहीं, दो हल हैं, एक तो आप बना बनाया कोई इमेज उठा लो गूगल से और उस इमेज को उठा के उसको यहाँ पे रख के उसको पूरा रेडी कर लो। अच्छा वो कॉपी नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप उस इमेज को बना पकड़ के उस इमेज के ऊपर सब कुछ लिख रहे हो, पर एक शर्त ज़रूर होती है, जैसे मैंने आपको पहले इमेज दिखाई यहाँ पर, उस इमेज पर लिखा हुआ था कैनवा, लोगों ने ना जो खुद इमेज बनाते हैं वो उसके ऊपर इस तरीके से अपनी कंपनी का नाम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, तो इसे वाटरमार्क बोलते हैं, ये लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई कॉपी ना करे। आप जो भी इमेज उठाओ उस पर देख लेना कोई वाटरमार्क तो नहीं है, प्लेन इमेज है तो पकड़ो उसको अपलोड करो और कर दो, और अगर वो नहीं है तो यहाँ पर देखो प्लेन और किस किस, सपोज आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, ये दीवार सा कलर डिफरेंट डिफरेंट से, आप कोई भी बैकग्राउंड इस तरह का बैकग्राउंड दे के सपोज कोई सिंबल ले सकते हो उसको आप शो कर सकते हो, रेनबो का साइन ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर बहुत सारे, ये एक नहीं है, पता नहीं है कितने सारे बैकग्राउंड है, आपको शायद लग रहा हो कि ये तो एक सर ने बता दिया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैकग्राउंड्स मौजूद हैं, तो आप ये कर सकते हो, कलर्स भी आपके पास हैं, प्लेन बैकग्राउंड भी ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फोल्डर की कैटेगरी में क्या होता है, यहाँ पर आपने जो चीज़ें परचेज़ रखी हैं या नहीं है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ये डिफरेंट इमोजीज और तमाम तर चीज़ें हैं, फिर फेसबुक है, फेसबुक का साइन है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, स्टाइलिंग आप कर सकते हो, स्टाइलिंग किस तरीके से, ये देखिए अब ये स्टाइलिंग पे मैं आया हूँ, अब ये देखो ये हमारा ये लोगो है ना, मैंने इसको ना सिलेक्ट कर लिया। ओके तो अब ये देखिए मैंने इस पर किया, जिस कलर पे क्लिक करूँगा ये उस कलर पे जाता जाएगा, देख रहे हो, ये मैंने ब्लू पे किया था। ओके अब ये देखो ये मैं किसी और, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, अपनी मर्जी है, ये मैं पूरी इमेज के कलर को अपने अकॉर्डिंगली, ये स्टाइलिंग होती है, आप अपनी इमेज बना लो, आपको हो सकता है ना समझ आए, उसके बाद आप सोचोगे कि मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लूँ, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। खैर ये हमारे सारे आइकन्स थे जो कि यहाँ पर थे, मैंने आपको इन सारे आइकन्स के हवाले से बता दिया, यहाँ पर कलर्स भी मौजूद हैं आपके पास, कितने सारे कलर्स हैं, फिर अगर फ़ॉन्ट्स देखो तो ये वो भी इतने सारे मौजूद हैं, तो यहाँ से आप अपनी इमेज क्रिएट करके बड़ी सिंपली आप डाल सकते हो। आप फाइवर पे बना रहे हो तो आप एंड पे ये भी कर दो कि पावर्ड बाय आपका जो भी नाम है, लाइक फाइका था तो पावर्ड बाय फाइका, या अपना नाम लिख दो कि महानूर या कुछ भी,
तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके से इमेज बनता है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इमेज तो बन गई, अब इसको डाउनलोड कैसे करें। अगर तो मैंने इस पूरे इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है जो कि फ्री नहीं थी, तो ये मेरा इमेज डाउनलोड नहीं होगा। और अगर मैंने सब फ्री वाली आइटम्स ही यूज़ किए हैं देन ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कैसे करते हैं, इस डाउनलोड पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। ये PNG ऑप्शन है, मैंने आपको शायद याद हो जब गिग बना रहे थे मैंने आपको बताया था कि आप इसमें क्लाइंट को बोलते हो कि हम आपको कौन कौन सी कैटेगरी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो JPG, PDF और MP4 और GIF सब कुछ अवेलेबल है हमें। खैर इसके लिए फाइवर के लिए PNG जो है वो ठीक है, सपोर्टेबल होता है वहाँ पर। हमने PNG को किया, इसके बाद आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड पर क्लिक किया, देन वॉट ये प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन। अब ये बार कंप्लीट होगी और आपका डिज़ाइन बन गया। इन्होंने यहाँ पर आपको बोल दिया कि आप प्रो वर्जन ले लो, 30 दिन के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा। नाउ इट इज़ अप टू यू, इसको इग्नोर कीजिए जस्ट, इसको कुछ नहीं करना। अगर परचेज़ करना हो तो वो एक अलग चीज़ है। अब आपका इमेज कहाँ आया, लेट मी शो यू। ये मेरे पास नीचे आ गया, इसको मैंने शो इन फोल्डर किया और यहाँ पर मुझे आपका इमेज शो हो गया, परफेक्ट लोगो फॉर बिजनेस। इसको मैंने ओपन किया और आप ये देख लें कि ये जो हमने इमेज बनाया था ये आ गया। अब इस इमेज को अगर मैं पकड़ के उधर फाइवर पे लगाऊंगा तो बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास था हमारा कैनवा जिसको मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। ये इतना ज़्यादा आपके लिए, मैं ये समझता हूँ जैसे फाइका को इशू आया तो मुझे फिर लाजिम लगा कि मैं आपको कैनवा के हवाले से बताऊं, वरना फिर आप लोग ये सोचोगे कि सर गिग तो आपने मुझे बता दिया बट किसी को इमेज बनाना आता है किसी को नहीं आता। तो इसलिए एक छोटी सी क्लास इसके ऊपर रखी गई थी ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। और ये बहुत सिंपल है और मैं इसको क्रॉस करूं, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ पूछने वाला होगा। इफ़ येस तो प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चन जो है वो कीजिएगा। और सेकेंड बात ये है, ऑब्वियसली YouTube पर भी ये वीडियो डाली जाएगी, तो जो YouTube पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनका कोई कमेंट हो या कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई भी और टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, गाइड करें, तो काइंडली वो भी मेंशन करें ताकि हम उसको भी मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि ये क्लास से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर कोई सवाल है तो उसका भी जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।